अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। बागपत जेल में बंद कुख्यात मुन्ना बजरंगी की हत्या की तर्ज पर ही आज मुकीम काला और एक और बदमाश की चित्रकूट जेल में गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई। मुख्तार अंसारी के बेहद करीबी मुकीम काला व अन्य मेराजुद्दीन की हत्या के बाद पुलिस का कहना है कि अंशुल दीक्षित ने 5 कैदियों को बंधक बना लिया था। इन्हें छुड़ाने की कोशिश के दौरान ही अंशुल ने पुलिस पर फायरिंग की और जवाबी फायरिंग में गैंगस्टर अंशुल भी मारा गया। बहरहाल पुलिस व प्रशासन के सभी आला अफसर जेल के भीतर हैं और मामले की छानबीन कर रहे हैं। मुकीम काला कुछ दिन पूर्व ही चित्रकूट जेल में शिफ्ट किया गया था। आईजी के सत्यनारायण, डीएम सुभ्रांत कुमार शुक्ला आदि मौके पर मौजूद हैं। मुकीम पर हत्या, लूट, रंगदारी, अपहरण, फिरौती जैसे 35 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। उसकी गिनती हार्डकोर क्रिमिनल के रूप में होती है। वहीं मुकीम काला को मारने वाले अंशुल दीक्षित को UPSTF ने गोरखपुर जिले के गोरखनाथ थाना क्षेत्र से 2014 में गिरफ्तार किया था। चित्रकूट धाम मंडल के आईजी के सत्यनारायण ने बताया है कि जेल में मेराजुद्दीन और मुकीम उफ काला पर शार्प शूटर अंशुल दीक्षित ने गोलियां चलाई। अंशुल दीक्षित पूर्वांचल का शार्प शूटर बताया जा रहा है। दोनों गुटों में हुए संघर्ष में मेराजुद्दीन और मुकीम मारे गए। DIG जेल PN पांडे के मुताबिक दोनों ग्रुप में वर्चस्व की लड़ाई के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV। नमस्कार।